देख रहे हैं जगत न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ तनु शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जन्म जयंती पर वापी के अर्पण सेवा फाउंडेशन द्वारा कीर्तन का आयोजन कर मनाई। अर्पण सेवा फाउंडेशन के अध्यक्ष संग्राम सिंह राणाजी ने बताया कि आज लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जन्म जयंती के आयोजन के मुख्य अतिथि अध्यक्ष स्थान सुभाष सिंह जमादार मानव एकता पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष दिल्ली विजेंद्र सिंह यादव गौ सेवा वापी सुनीता ताई पाटिल नाशिक नंदाताई जमादार निकिता ताई पवार प्रदीप महाराज पाटिल कीर्तनकार सभी मान्यवर सिलवासा बलिठा के वारकरे भजनी मंडल और वापी दमन सिलवासा के पुरुष और महिलाएं भारी संख्या में उपस्थित रहीं। सभी को प्रोजेक्टर पर अर्पण सेवा फाउंडेशन द्वारा किए गए सेवा के बारे में बताया गया। आज लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जन्म जयंती पर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। अर्पण सेवा फाउंडेशन द्वारा समाज कार्य और समाज सेवा करने वालों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। हरिभक्त पराड़ प्रदीप महाराज जी बोईसर के कीर्तन के आयोजन का सभी श्रोताओं ने लाभ लिया। कार्यक्रम के अंत में सभी के लिए महाप्रसाद का आयोजन किया गया। देखिए जगत न्यूज 24 गुजरात वापी से कैमरामैन गणेश राजपूत के साथ कोमल सिंह राजपूत की ये खास रिपोर्ट। करता हूं आपका त्यांनी कमीत कमी माझ्याकडनं 5 वर्षापासून तारीख मागत होता, माझे वेळ पण मागत होते, पण मी त्यांना वेळ देत नव्हतो कारण माझ्याकडे वेळ नव्हता। पण यावेळेस 2 महिन्यापासून मागे लागले की मला काही माहिती राहते साहेब तुम्हाला यावं लागेल प्रोग्रामला। पण योग असा चांगला आला माझ्या की मी ज्या प्रोग्रामला आलो तो प्रोग्रामला खूप मोठा आनंद झाला कारण कीर्तन हे प्रत्येकाला सोडलेला संकल्प तुम्ही परत घेऊ शकत नाही। एखाद्या भिक्षुकाच्या जोडीमध्ये वाढलेलं मोठं भरपीठ एकदा त्याच्या जोडीत गेलं तर त्याच्यावर तुमचा अधिकार संपला। म्हणून अर्पण हा खूप महत्वाचा शब्द आहे। अर्पण या शब्दाला समानार्थी शब्द आहे समर्पण। समर्पण कोणाला म्हणतात? स्वतःच्या इच्छेने जे दिलं जातं ते समर्पण, आणि स्वतःच्या इच्छेनुसार जे दिलं जातं कधीही न परत घेता त्याला अर्पण। दुसरा शब्द आहे सेवा। सेवा दोन प्रकारची, एक धार्मिक सेवा आणि सामाजिक सेवा। धार्मिक सेवा कोणाला म्हणतात? जी आध्यात्मिक क्षेत्रामध्ये आपण सेवा करतो त्याला धार्मिक सेवा असं म्हणतात। सामाजिक सेवा कोणाला म्हणतात? जी समाजासाठी केली जाते ती सामाजिक। नमस्कार, जगत न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं हूँ कोमल सिंह राजपूत। आज 23 जुलाई लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक इनकी जयंती के अवसर पर वापी में अर्पण सेवा फाउंडेशन द्वारा आज बाल गंगाधर तिलक जयंती के अवसर पर कीर्तन समारोह का आयोजन किया गया था, जो वापी में आज यहां पर इस आयोजन के लिए आज के मुख्य अतिथि और अध्यक्ष स्थान जो आज यहां पर है अपन हम राजेश सुभाष सिंह जी जमादार। राजेश सुभाष सिंह जी जमादार आज यहां पर मुख्य अतिथि और अध्यक्ष स्थान के लिए यहां पर आए हैं। आपको यहां पर इस आज बाल गंगाधर तिलक जन्म जयंती के अवसर पर आपको यहां पर अध्यक्ष स्थान के लिए आमंत्रित किया गया, क्या कहना चाहेंगे? मुझे तो बहुत खुशी हुई, और दूसरी बात जो संग्राम दा ने जो प्रोग्राम बनाया ये सबसे मतलब जो मैंने सोचा नहीं था वैसा बड़ा प्रोग्राम हो गया। और जो लोग आए और संग्राम दा से जो लोग प्यार करने वाले थे सबने शुभेच्छा भी दी और प्रोग्राम सक्सेस हुआ ऐसा मैं बोलता हूँ। और आज का जो जन्म जयंती अर्पण सेवा फाउंडेशन द्वारा लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जयंती आज यहाँ पर कीर्तन द्वारा आयोजित की गई है, जो हरिभक्त परायण प्रदीप महाराज यहाँ पर आए थे, तो उनका कीर्तन का किस तरह से आज कीर्तन का आयोजन रहा और किस तरह से आपको क्या लगा कीर्तन? कीर्तन बोले तो सब परमात्मा का वास होता है, और दूसरी बात कीर्तन का जो कीर्तन हुआ वो हमें बहुत अच्छा लगा। संग्राम दा ने जो नियोजन बनाया तो कोई ऐसा नियोजन कोई करता नहीं। कोई बोलता है मैं ऑर्केस्ट्रा लाऊं, कोई बोलता है मैं तमाशा खड़ा करूं, पर संग्राम दा ने जो किया कीर्तन का जो किया तो भगवान का नाम आ गया उसमें। एक भक्ति रूप से उन्होंने आज जन्म जयंती मनाई है। धन्यवाद। आपका नाम? निकिता पवार हमारे साथ है आज के मुख्य अतिथि है। आज का जो अर्पण सेवा फाउंडेशन द्वारा बाल गंगाधर तिलक जन्म जयंती महोत्सव है उसके आज के मुख्य अतिथि जी, आप क्या कहना चाहेंगे आज के प्रोग्राम के बारे में? मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि अगर हम महाराष्ट्र से आए हुए हैं, आज संग्राम जी ने जो ये आयोजन किया था वो भक्ति रस से तो भरा हुआ था लेकिन एक प्रेम रस से भरा हुआ था जो दो राज्यों को जोड़ रहा था। और सच में कहूं तो
एक बात कि यहाँ पे सब बच्चे थे, बूढ़े थे, सभी उम्र के लोग थे, लेकिन वो भक्ति रस में इतने नाच रहे थे। और जो सेवाएं आज राणा जी पूरे गुजरात में दे रहे हैं, अर्पण सेवा फाउंडेशन की तरफ से दे रहे हैं, वो इतना पुण्य का काम है कि भगवान को देखने जाओ या ना जाओ, इतनी सेवाएं की तो भगवान खुद आपसे मिलने आएगा। इतनी इतनी तहदिल से मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ और बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ कि इतना अच्छा प्रोग्राम उन्होंने आयोजित किया। जी धन्यवाद। अब हमारे साथ है आज के मुख्य अतिथि, आपका नाम? सुनीता पाटिल। सुनीता पाटिल जी है, और इनसे जानना चाहेंगे कि आज का जो महाराष्ट्र में जो मनाया जाता है जन्म जयंती बाल गंगाधर तिलक, आज गुजरात में अर्पण सेवा फाउंडेशन द्वारा उनकी जन्म जयंती मनाई गई और कीर्तन का आयोजन किया गया, आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो कीर्तन का कार्यक्रम किया है वो बहुत बढ़िया है, जिसकी वजह से समाज में बोलते हैं कि लोग बिगड़ रहे हैं लेकिन घड़ भी रहे हैं, यानी कि अच्छे हो रहे हैं, छोटे बच्चों से लेके बूढ़ों तक वो लोग नाच रहे थे, काम कर रहे थे, सबका जो उत्साह है वो देखते ऐसा लग रहा था कि महाराष्ट्र से लेके वापी तक, गुजरात तक, दूसरे मुल्क से आके कुछ तो कर रहे हैं अपने लिए, अपने समाज बांधव के लिए जो कुछ कर रहे हैं उसके लिए उनको शुभेच्छा देना चाहती हूँ। संग्राम सिंह जी राणा जी का जो काम है वो बहुत बढ़िया है, उनके लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ और उनको शुभेच्छा देती हूँ कि अगले बार ही ऐसा ही कार्यक्रम करो और हमें बुलाओ। धन्यवाद जगत न्यूज़ 24 से बात करने के लिए। तो ये थे आज के जन्म जयंती के मुख्य अतिथि, जो आज लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी की जन्म जयंती है, जिन्होंने कहा था कि स्वराज्य हा माझा जन्मसिद्ध हक्क आहे आणि तो मी मिळवणारच, यानी कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और उसे मैं हासिल करके रहूंगा, ऐसा कहने वाले बाल गंगाधर तिलक, आज उनकी जन्म जयंती अर्पण सेवा फाउंडेशन वापी द्वारा मनाई गई है वापी में। जी धन्यवाद। जगत न्यूज 24 गुजरात वापी से कैमरामैन गणेश राजपूत के साथ कोमल सिंह राजपूत, धन्यवाद।